गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल. फोर्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स टॉपिक इज गोइंग ऑन लाइन्स एंड एंगल्स. हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है. आज हम उसकी कुछ रैप अप एंड मिसलेनियस एक्टिविटीज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी वॉट वी हैव टू डू इन आर रैप अप एक्टिविटी. लुक एट द फिगर्स. यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है आपको. यू हैव टू सी एंड राइट देयर अल्फाबेट कोड्स टू मैच विद देयर नेम्स इन द गिवन बॉक्सेस. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. आपको कुछ फिगर्स गिवन है यहाँ पे, उनको अल्फाबेट कोड गिवन है. मींस दिस फिगर इज ए, दिस फिगर इज बी, दिस फिगर इज सी एंड सो ऑन, राइट. देन कुछ नेम्स गिवन है. अब आपने फिगर को उनके नेम के साथ मैच करके यहाँ पे फिल करना है. सी फर्स्ट फिगर है हमारी, इस फिगर का नेम क्या है, ए. एंड वॉट इज दिस, सर्कल. तो हम यहाँ पे सर्कल को सर्च करेंगे. कहाँ है सर्कल, यहाँ सर्कल है, उसके आगे हमने राइट कर दिया ए. नाउ सी नेक्स्ट फिगर. विच फिगर इज दिस, दिस इज एन ओपन फिगर, ठीक है ना. ये ओपन फिगर है तो अब हम इसमें सर्च करेंगे ओपन कहाँ लिखा हुआ है. हेयर इट इज ओपन, सो वी विल फिल हेयर बी. लेट सी नेक्स्ट फिगर. विच फिगर इज दिस, यू कैन सी वेरी क्लियरली ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज अ स्क्वेयर. तो जहां पे भी हमें स्क्वायर मिलेगा वहां पे हम राइट करेंगे सी. नेक्स्ट, टू लाइंस आर हेयर एंड वेरी एविडेंटली यू कैन सी कि दीज आर पैरेलल लाइंस, क्योंकि जब हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पे भी जाके इनकी मीटिंग नहीं होगी. तो हम सर्च करेंगे कि पैरेलल लाइंस कहाँ हैं, एंड हेयर इट इज पैरेलल लाइंस डी. नेक्स्ट फिगर, दिस इज गिवन एन एंगल. ये देखिए आप, टू आर्म्स हैं, उनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है. तो वी विल मैच इट विद एंगल. नेम ऑफ द फिगर इज ई. सो देखते हैं, यहाँ एंगल है तो एंगल के साथ हम राइट करेंगे ई. इन दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दिस फिगर्स एंड यू हैव टू मैच देम विद देयर नेम्स. नाउ वी विल स्टार्ट मिसलेनियस प्रैक्टिस. वी विल सी द सम. फर्स्ट ऑफ ऑल फिलिप्स आर गिवन हियर. नाउ रीड द स्टेटमेंट्स. लाइन ए बी, हम इसे लाइन ए बी क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ एरो हेड्स गिवन है. आपको बताया था कि लाइन के सिंबल में एरो हेड्स दोनों साइड होते हैं. एंड रे ओ सी, इसको हम रे ओ सी क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि एरो हेड वन डायरेक्शन में है. एनीवे, सो नाउ यू हैव टू सी फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज लाइन ए बी, ओके, एंड हियर इट इज रे ओ सी, एंड हियर इट इज लाइन एक्स वाई. नाउ रीड द स्टेटमेंट्स. ए बी एंड ओ सी आर पैरेलल और नॉन पैरेलल. सी ए बी यहाँ है, ओ सी तो इसको यहाँ मीटिंग ये है और ओ सी इसको यहाँ मीट कर रहा है, तो पैरेलल लाइंस तो मीट करती नहीं है, तो ये हो जाएंगी नॉन पैरेलल. एक्स वाई इज पैरेलल टू, दिस इज आर लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू. किसके पैरेलल है आप देख सकते हैं, इट इज पैरेलल टू ए बी. तो हम यहां फिल करेंगे लाइन ए बी. इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओ सी इज, रे ओ सी का जो इनिशियल पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हुआ वो ये है पॉइंट ओ. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड ओ सी, एक्स वाई ये लाइन है और ओ सी, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे ये मिल रही हैं वो पॉइंट हमने बताना है, दैट इज पी. एंगल्स एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे हमें एंगल्स बताने हैं, तो हम एंगल्स बताएंगे. हमें टू फिलिप्स गिवन है तो हम एनी टू एंगल्स बताएंगे. सो लेट स्टार्ट विथ सी. जब एंगल बताना होता है किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट को हम सेंटर में रखते हैं. तो हमारा फर्स्ट एंगल है सी ओ ए, देन वी कैन से सी ओ बी. तो हम यहाँ पे टू एंगल्स अपने फिल करेंगे. नेक्स्ट, फाइंड डायमीटर और रेडियस. यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है. आपको पता है कि आप इसे डबल कर देंगे, 8 × 2 = 16. और अगर डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है तो हाफ कर देंगे, 20 का हाफ होता है 10. हेयर वी आर गिवन रेडियस 6 × 1/2 मीटर. मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. तो कैसे करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 को 12 और उसमें 1 प्लस करेंगे 13/2. अब हमारे पास रेडियस आ गया, अब हमें डायमीटर चाहिए जब, तो हम क्या करेंगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 13, और हमारा डायमीटर हो गया 13
मीटर, यहाँ डायमीटर गिवन है 15 मीटर, तो इसका हाफ कर देंगे हम 15/2. नाउ वी हैव टू टेल इधर ट्रू और फॉल्स. ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर टू डायमीटर्स ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, सेम सर्कल के टू डायमीटर्स हैं ए बी एंड सी डी, लेकिन आप देखो कि ए बी 4 है, सी डी 5 है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायमीटर्स जितने भी होंगे किसी भी सर्कल में तो उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ दिस फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल, येस और नो? क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग होता है? जिसमें 4 साइड्स हों. तो ये 4 साइड्स हैं, सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, येस. दिस ट्राइंगल इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल में तो 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है. नाउ दिस फिगर इज अ पॉलीगन, पॉलीगन में हमने आपको क्या बताया था? सिंपल फिगर होगी, क्लोज्ड होगी और स्ट्रेट लाइंस होंगी, तो ये सारी सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस एंड दिस बोथ आर स्क्वेयर, आप खुद ही बता दीजिए कि ये दोनों स्क्वेयर हैं, नो, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एफ जी एच आई, ये जो स्टेटमेंट्स हैं आप रीड करेंगे और ये आप खुद से सॉल्व करेंगे. जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी यू कैन पुट योर क्वेरीज इन व्हाट्सएप. अभी हमारा एक सम रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2, वो हम करते हैं. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर विथ सेम सेंटर. ठीक है, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, इसको सेंटर लेके ड्रॉ कर दिया. अब इसी सेंटर से हमने 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपने सेंटर चेंज नहीं करना, 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे और एक बड़ा सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे, तो इस टाइप की फिगर आपकी बनेगी. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल दीज सम्स इन योर फेयर नोटबुक, एंड सम सम्स विल बी डन इन द बुक इटसेल्फ, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर. देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक. हैव अ गुड डे.